घटनाक्रमों को लेकर के श्री जयराम रमेश और श्री मल्लिकार्जुन खड़के जी की प्रतिक्रिया आई है, जिन्होंने नीतीश कुमार जी पर राजनीतिक अवसरवादिता का आरोप लगाया है। दरअसल कांग्रेस का एक कॉकस इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को हड़पना चाहता था। 19 दिसंबर को अशोका होटल में जो बैठक हुई थी, उसमें एक साजिश के तहत इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करने के लिए श्री खड़के का नाम सुझाया गया था। इससे पहले मुंबई की बैठक में सर्वसम्मति से तय हुआ था कि बगैर किसी का चेहरा आगे रखे बगैर ये इंडिया गठबंधन काम करेगा। पहली शाम को श्री केजरीवाल जी के आवास पर जब ममता बनर्जी गई थी, तो उन्होंने बाहर आकर के प्रेस से कहा था कि कल की बैठक में किसी का नाम प्रस्तावित नहीं होगा। कांग्रेस के उसी कॉकस ने एक साजिश के तहत ममता बनर्जी के द्वारा उनका नाम सुझाया गया, यद्यपि श्री खड़के जी ने बाद में उसको खुद ही अस्वीकार कर दिया। दरअसल जितनी भी गैर कांग्रेसी क्षेत्रीय दल हैं, चाहे वो लोकदल हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे शरद पवार जी की पार्टी हो, ये सब दल कांग्रेस पार्टी से लड़ करके भारत की राजनीति में इन्होंने एक अपना स्थान बनाया है। कांग्रेस पार्टी अपने सर्वाइवल के दौर से गुजर रही है। पिछले दो लोकसभा चुनाव में नेता प्रतिपक्ष के लायक भी उनके पास सांसद नहीं थे, लिहाजा वो क्षेत्रीय जो नेतृत्व थे इन दलों का, उनको समाप्त करना चाहते हैं, वो इनके विकास में रोड़ा हैं, और उन्होंने सिस्टमेटिक तरीके से इस लड़ाई को लंबा खींचने का काम किया जो टिकट बंटवारे का था। हम मुंबई से भी और उससे पहले भी कहते रहे हैं कि सीटों का बंटवारा जल्दी होना चाहिए, वो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को कम करके आंक रहे हैं या फिर उनको जानकारी नहीं है। हम उनके साथ रहे हैं, ग्रास रूट पे उनका काम है, साधन संपन्न पार्टी है, प्रधानमंत्री की लोकप्रियता है, उससे लड़ने के लिए जिस तरह का तामझाम होना चाहिए किसी गठबंधन के पास, उसका नितांत अभाव इंडिया गठबंधन के साथ था।